वर्ल्ड टेस्ट में पाकिस्तान को 360 रन से शिकस्त। 450 रन के ताकुब में पूरी टीम 89 रन पर ढेर। बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। विकेटें खिजा के पत्तों की तरह गिरती रहीं। सिर्फ 3 बल्लेबाजी डबल फिगर में दाखिल हो सके। सऊद शकील 24 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। बाबर आजम 14 और इमामुल हक 10 रन बनाकर पवेलियन लौटे। कप्तान शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक दूसरी इनिंग्स में भी नाकाम। 2-2 रन बनाकर आउट हुए। सरफराज अहमद का बल्ला भी ना चला, 4 रन बना सके। फहीम अशरफ और सलमान आगा 5-5 रन बनाए। मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड ने 3-3 शिकार किए। निगरा हुकूमत का लाहौर में तजावजात के खात्मे के लिए सख्त क्रैकडाउन का फैसला। रजाकाराना तौर पर तजावजात खत्म करने के लिए 48 घंटे की मोहलत। मंगल की सुबह से बाज़ाब्ता ऑपरेशन शुरू होगा। मोहसिन नकवी का तजावजात पर गिरफ्तारी और मुकदमे का हुक्म। इंतजामिया को मुतालिका इलाकों में ऑपरेशन की तैयारी की हिदायत। कहा इंसदाद तजावजात मुहिम में कोई नरमी और रियायत नहीं होगी। इलेक्शन की तैयारियां। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की तरबियत का दोबारा आगाज। आरओस की तरबियत कल तक मुकम्मल हो जाएगी। डीआरओस अफसरान की तरबियत 19 दिसंबर को खत्म होगी। तर्जमान इलेक्शन कमीशन की वजाहत। वोटर्स लिस्टों और सामान की फराहमी के लिए रीजनल दफातर आज खुले हैं। और पीपल्स पार्टी ने पंजाब में इंतखाबी हिकमत अमली तैयार कर ली। उम्मीदवार ना मिलने पर पार्टी अहदेदारों को इलेक्शन में उतारने का फैसला। एक हफ्ते में तमाम हलकों से उम्मीदवार फाइनल कर लिए जाएंगे। बिलावल भुट्टो कल लाहौर में सूबाई तंजीम से मजीद मुशावरत करेंगे।